दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग अब हमारे बीच में नहीं रहे और इस बात को इनके फैंस अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में 80 से भी ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी, जिसके चलते ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे रईस और अमीर अभिनेताओं में शामिल है। लेकिन दोस्तों, अनगिनत फिल्मों में काम करके खूब सारी दौलत संपत्ति छोड़ गए हैं दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के लिए, जिसमें उनके लिए बहुत बड़ा आलीशान घर है जो अंदर से किसी ताजमहल से कम नहीं है। वहीं जब तक ये जिंदा थे, तब तक अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल पर राजाओं की तरह पैसा खर्च करते थे और महाराजा वाली जिंदगी जिया करते थे। अगर आप भी इनके आलीशान घर और महंगी लाइफस्टाइल से रूबरू होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन इन्होंने 7 जुलाई 2021 को दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1944 को फिल्म जवाहर भाटा से की थी, लेकिन ये साल 1949 को महबूब खान की फिल्म जुगनू से चर्चा में आए थे, जिसके चलते ये बॉलीवुड में थोड़े फेमस हो। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में नया दौर, मुगले आजम, देवदास में काम करके खूब सारी दौलत कमाई, जिसके चलते ये अपने पीछे अपनी बीवी के लिए 635 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं, जिससे इन्होंने कभी अपनी धर्मपत्नी सायरा बानो के लिए एक आलीशान बंगला खरीदा था जो दिखने में किसी राजमहल से कम नहीं है। जी हाँ, घर के अंदर एंट्री करते ही बहुत बड़ा लिविंग रूम है जिसमे ग्रीक, जर्मन और इटली से मंगाए हुए 10 लाख के सोफे और टेबल शामिल है। वो इनके बेडरूम से लेकर इनके गेस्ट रूम में कस्टमाइज 2 लाख के शिमरी कार्टेन्स लगे हुए हैं, जो इनके घर को खूबसूरत बनाते हैं। वो इनके घर में एक से बढ़कर एक वॉल आर्ट और पेंटिंग दिखेगी, जिसे इन्होंने लंदन के म्यूजियम से 15 लाख रुपए में खरीदा है। वो इनके घर के पीछे बहुत बड़ा 1000 गज यार्ड का, जिसमे पूरे 20 लाख के 450 रंग बिरंगे पौधे लगाए गए हैं, जो इनके घर को स्वर्ग की तरह महकाते हैं। वह इनके इस राजमहल में 4 आलीशान किचन, ड्राइंग रूम, हॉल और बेडरूम है, जिसे 5 करोड़ रुपए में मुंबई के बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर से डिजाइन करवाया गया था और इस तरह से इनके इस खूबसूरत बंगलों की कीमत 50 करोड़ रुपए है। घर के अलावा इनकी लाइफस्टाइल राजा महाराजाओं की तरह थी, जिस पर ये पानी की तरह पैसा बहाते थे। हालांकि इन्हें परफ्यूम, रंग बिरंगी शर्ट पैंट, कोट, कुर्ता पजामे का इतना ज्यादा शौक था कि इनके पास इनके वार्डरोब में 25 लाख रुपए का कलेक्शन था। वह इनके पास गुच्ची, पराडा, अरमानी के बूट और फॉर्मल्स जूते थे, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। वह इनके पास रोलेक्स की 5 वॉच थी, जिनकी कीमत 2 करोड़ के आसपास आंकी गई। वह घूमने फिरने के लिए इनके पास मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर, जैगुआर, ऑडी Q7 है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी जमीन जायदाद जो ये अपनी पत्नी सायरा बानो के लिए छोड़ गए हैं, क्या इनकी पत्नी अब इनके बिना खुश रह पाएंगी? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।